धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिस पर अकेले सरमथुरा थाने में ही आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी जयपुर जिला सहित कई थानों में वांछित है। इसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के साथ लूटपाट, चोरी, मारपीट और पुलिस पार्टी पर हमला करने जैसे कई संगीन मामले विचाराधीन चल रहे हैं। सरमथुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को कस्बे के महाकालेश्वर मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करते हुए विभिन्न मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। सरमथुरा थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक आरोपी महाकालेश्वर मंदिर के पास देखा गया है, जिसके पास लोडेड हथियार है। इस सूचना पर टीम बनाकर मौके पर रवाना की गई, जहां से एएसआई होतम सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल सुमेर सिंह, हरविंदर सिंह और अन्य ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, जो पूछताछ में कहा कि हिस्ट्री शीटर बदमाश हैदर अली उर्फ हैदर खान पुत्र पप्पू खान निवासी सती का चौक सरमथुरा निवासी निकला। एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अकेले सरमथुरा थाने पर आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। इसके अलावा जयपुर महानगर सहित कई अन्य स्थानों पर भी आरोपी के खिलाफ संगीन वारदातों के मामले दर्ज बताए गए हैं, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी पर पुलिस पार्टी पर हमला करने, वाहन चोरी, लूटपाट और मारपीट जैसे संगीन मामले भी दर्ज बताए गए हैं। कुल मिलाकर आरोपी की पूरी हिस्ट्री शीटर खंगाली जा रही है और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करते हुए पूछताछ जारी है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे बदमाशों की धरपकड़ अभियान और अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ अभियान के दौरान थाना सरमथुरा पुलिस ने कल दिनांक 15 जनवरी 2023 को कार्रवाई करते हुए पुलिस थाने के एचएस हैदर अली उर्फ हैदर खां, शनौप श्री पप्पू खां, जाति मुसलमान, उम्र 24 साल, निवासी सती का चौक थाना सरमथुरा को एक अवैध देसी कट्टा 315 और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफल हासिल की है। मुलजिम से हथियार के रखने, लाने ले जाने वालों का अनुसंधान किया जा रहा है और उक्त अभियान निरंतर जारी रहेगा।